बच्चों, धनतेरस पूजा का समय हो गया। पुकारे मुझे खुशबू धन पैसे की, झुको मेरे सामने और ले आओ चीज ऊंची कीमत की। हमें कुछ मत करना, हम सारा धन तुम्हें दे देंगे, हमें कुछ मत करना। मेरी गहने। धन राक्षस, ढोलकपुर में कई राक्षस आए हैं, लेकिन एक भी नहीं टिक पाया, तुम भी नहीं बचोगे। इसका बदन तो पत्थर से भी ज्यादा कड़क है। क्या हुआ, नन्हे मुन्हे भीम को चोट लग गई? हटो हटो मेरे सामने से। अब मंडप के चारों ओर ढूंढते हैं, राक्षस अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ गया होगा। चलो। राक्षस का जानवर तो थोड़ा अजीब था, पर उसके पैरों के निशान किसी आम घोड़े जैसे ही हैं। लगता है ये धन राक्षस जो दिखता है वो है नहीं, एक शख्स है जो घोड़े पर सवारी करता है और ऐसी हरकत के काबिल है। कौन? हम सबके घर में चोरी हुई है, हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव? मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे।
जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। भी। हाँ? हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। हाँ? देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। उस रात को वो दूसरा गुरु भी मिल गया। इस कालिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। चुप रहो कालिया। दोस्तों मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ढोलकपुर छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, भागो यहाँ से, दूर जाओ, बिल्कुल वापस मत आना। मैं चोर नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चोरी नहीं की, और वो बूढ़ी औरत, मुझे ऐसा लगता है मैं उसे पहले देख चुका हूँ। नहीं, ए लड़के तुम अकेले, भीम नहीं आया, शायद उसने हार मान। मुझसे बेहतर कोई नहीं, वो ये बात जानता है। अच्छा जी, तुम इतने परफेक्ट हो तो ये बोल के बताओ जी, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ये तो बहुत आसान है। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा जी, अब मुझे यह बताओ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझना ही समझ है, समझ को समझ कर भी ना समझे वो। समझ समझ के जो समझा नहीं समझा, क्या समझा? एक क्या कहते हैं उसे, वो है एक ना समझ। बुद्धू स्वामी, बहुत बहुत थैंक यू जी, मेरा दुनिया को बचाने का सपना पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ, तुम सब से मिल के अच्छा लगा, बाय बाय दोस्तों। अरे बुद्धू स्वामी रुको तो, बुद्धू स्वामी जैसा बहुत कोई नहीं।
बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। तुम्हें ढोलकपुर में पहले कभी नहीं देखा। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने चाचा से मिलने आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त, आओ हमारे साथ खेलो। पिकी पू पिकी पान, कालिया को मिलेंगे हाथी के साथ। चको का होगा कछुए का कवच। घोड़े के पूछ के होंगे बिल्ली के पंजे। शुका को हमारा दोस्त बनते देखना ही बुरी परी की सजा के लिए काफी है। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? रुको कालिया। झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी कालिया, ये तो वाकई में जिंदा है, हमारे नाम भी जानता है। अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, हुला हुक को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा।
अरे वाह, जीता जागता खिलौना। अगर ये मेरा हो जाए तो मैं लाखों रुपए में तैरूंगा, सोने के पलंग पे सोऊंगा। गली पर फिसलेगी टोली। टुनटुन कैसे हो? मेरा जंपिंग झपात बोल रहा है और ये कौन उसे लेकर भाग रहा है? मौसी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे ले आता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। खेलती थी, अब आखिरकार मैं तुम्हारे साथ खेल पा रहा हूँ टुनटुन। और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने झपाक को जिंदा किया मौसी, सारा मेरा ही किया धरा है। लग रहे हैं आप अपने जन्मदिन पे लड्डू ज्यादा खा लिए क्या? लड्डू कालिया, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, मेरे जन्मदिन पर मैं एक जबरदस्त जश्न मना रहा हूँ, तुम सब आ सकते हो। अरे वाह, चलो अभी चलते हैं। चलो। अरे अभी नहीं, ठीक 4 बजे गांव के खाली खलियान में आ जाना। अब तुम्हारा जश्न बनेगा मेरे लिए भीम को हराने का जरिया। काफी आम मिल गए, अब हम अच्छा आम पन्ना बना पाएंगे। बड़ी अजीब बोतल है, इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया, लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। हाँ, इंसान, मैं इंसानों की दुनिया में हूँ। हम जिन सिर्फ बड़े होने के बाद इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं, पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। जिन जिन, वैसे तुम अपनी दुनिया से यहाँ इंसानों की दुनिया में कैसे आई? हाँ? अरे वो क्या है? ये बैल है, ये बैल गाड़ी चलाने में हमारी मदद करते हैं। गाड़ी, चलो इसे चलाते हैं। हट जाओ जिन जिन, वो बैल तुम पर हमला कर रहा है। लकड़ी पे बर्फ। जल्दी चलो दोस्तों, उस इंसान के पास हरे गुब्बारे हैं, मुझे चाहिए। अरे जिन जिन कहाँ गई? जिन जिन, जिन जिन। चोर चोर चोर, रुक जाओ लड़की, मेरा तरबूज वापस करो। रुको रुको। जिन जिन, तुम
हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। जिन को किसी शांत जगह पर ले जाते हैं, यहाँ बाजार में उसका ध्यान भटकता रहेगा। ये बहुत शांत जगह है। चलो खेलते हैं। मैं सबसे पहले पहुँचूंगी। लगता है ये तरीका काम कर जाएगा। ये हमें घर का रास्ता दिखा ही देगी। जिन एक हिरन के बच्चे का पीछा कर रही है। वो रास्ता खाई की तरफ जाता है। जिन खतरे में है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो। जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया। फिर मिलेंगे। अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय पिताजी। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। तुम लड्डू खाने आए हो या बनाने? ये मेरी खास दावत वाली पोशाक है चकू। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। राजकुमारी जी, आपको तो पता है लड्डू मुकाबले में भीम से कोई नहीं लड़ सकता। लगता है हैट की वजह से तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। मैंने लड़ने नहीं मिलने कहा। सॉरी राजू, मैं तो तुम्हारी प्यारी हैट देख रही थी। कोई बात नहीं राजकुमारी जी। ओए ओए, दोस्तों, मौसी के लड्डू खाकर सब ठीक हो जाएगा। सब। अच्छे काम में देरी कैसी। चलो चले अंदर। उस्ताद, आपको लड्डू का बड़ा सा केक चाहिए था, लेकिन हमें लड्डू नहीं मिला, इसलिए हमने ये एक रोटी और शहद का अनोखा केक तैयार किया। अब किसी चमत्कार से ही मेरा बढ़िया जश्न हो सकता है। कालिया ने तो कहा था इसी जगह पर जश्न होगा, पर यहाँ तो ना जश्न है न ही कालिया। मेरे इस जश्न में जश्न सुर हो। कालिया, तुमने अपने जश्न में एक असुर को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया इसे। ये असुर मेरा जन्मदिन खराब कर रहा है। इसे मैं रोकूंगा। कालिया, जरा मुझे वो सूची तो दिखाओ, शायद इसमें जश्नासुर को रोकने का कोई तरीका हो।
लगता है ये किसी की चाल है और उसने इस सूची का ये हिस्सा फाड़कर फेंक दिया है ताकि हम इस जश्नासुर को रोक ना पाएं। हमारे दोस्त कालिया के जन्मदिन के जश्न में तुम्हारा स्वागत है जश्नासुर। इस मजेदार जश्न में बुलाने के लिए शुक्रिया बच्चों। अब मुझे वापस घर जाना है। मेरी तरफ से ये छोटा तोहफा। कैसा लगा तुम्हें? वो भीम, मैं बोल रहा था कि मेरे जन्मदिन का जश्न अच्छा गया और तुम नहीं होते तो भी अच्छा जाता। शतरंज का ऐसा खेल जिसमें सामने वाले को तीन चाल में हराने वाला जीतेगा और सामने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आशय और मातुस्तान, अब देखो अपनी प्यारी चीज मेरे हाथ। अलविदा मेरे सबसे प्यारे तावीज, हमारा साथ बस इतना ही था। ओफो कालिया, इतनी आसानी से हार गए। अब मैं जाऊंगी। घोटाला। घोटाला। शहर मात। ये मेरे दोस्तों की तस्वीर है, मेरे पास इससे प्यारा कुछ नहीं। जी हाँ, आज तो हम जीत के रहेंगे। ढोलकपुर वासियों, तीन तिगाड़ा खेल में आपके पुराने राजा इंद्र वर्मा की हार होने के कारण आपके नए महाराज हैं ताला घोटाला, और आज से ढोलकपुर की हर चीज पर उनका हक होगा। ताला घोटाला और महाराज इंद्र वर्मा कहाँ हैं? अब वो महाराज ताला घोटाला के बंदी बन चुके हैं। घोटाला शे और मौत। पेंटर बाबू। क्या इस ढोलकपुर में कोई भी नहीं जो मुझे मात दे सके? ढोलकपुर का पता नहीं, पर हम जरूर मात दे सकते हैं। घोटाला। आओ एक बाजी खेले। क्यों? तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा। शे और मात ताला। गड़बड़ हो गई घोटा। ताला को चित्कर डाला। पधारिए महाराज। शुक्रिया भीम, तुम्हारी बहादुरी और शक्ति के कारनामे किसी जादू से कम नहीं। असली बहादुरी तो मेरे दोस्तों ने दिखाई।
क्यों दोस्तों?